गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6:15 हुए हैं। आपको आवाज़ में भी लग रहा होगा कि आवाज़ थोड़ी सी भारी हुई हुई है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है। या और आप सोचोगे कि सुबह सुबह 6 बजे छुट्टी के दिन कहाँ जा रहे हो। वेल, हम लोग जा रहे हैं सनराइज़ कैप्चर करने। आई डोंट थिंक आज सनराइज़ बहुत ढंग से कैप्चर होगा क्योंकि इट्स क्लाउडी, लेकिन उम्मीद हमारी ये है कि एटलीस्ट वो जो एक स्काई के कलर्स में चेंज इफेक्ट आता है उसको हम लोग ढंग से कैप्चर करेंगे। तो उसी गोल के साथ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सीनिक प्लेस है कॉल्ड पेगीज क्लोव। तो पेगीज कोव, नॉट क्लोव। क्लोव तो खाने की चीज़ होती है। हम लोग एक सीनिक जगह पे जा रहे हैं, पेगीज कोव। तो उम्मीद है कि अच्छे नेचुरल सीनिक व्यूज़ वहाँ पर कैप्चर होंगे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि जहाँ पार्किंग है वहीं पे ही सामने ओवरलुक है। तो लेट्स गो एंड चेक आउट, आपको भी दिखाते हैं पेगीज कोव। ओ यस, एंड वन थिंग आई फॉरगॉट के माय पार्टनर इन क्राइम इन फोटोग्राफी एंड विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस इज़ अनीश, एंड दिस इज़ अ गुड स्टार्ट बिकॉज हो सकता है 2022 वी बोथ मे बी गोइंग मैनी मोर प्लेसेस टुगेदर। ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आगे रास्ते थोड़े से टर्न वाले हैं। ध्यान से ड्राइविंग करनी है। वी आर वेरी क्लोज टू दैट प्लेस, थोड़ा ज़िगज़ैग है और आपको वहाँ पहुँच के फिर बाकी दिखाते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। वो जो पीछे आप ऑरेंज देख रहे हो वो सनराइज वहाँ से होगा। और लाइट हाउस अगर आपको दिखाएं तो दैट इज़ द लाइट हाउस। Sudden high waves, droning hazard, keep off the black rocks. So this is the way, you can take this way, lekin it says just keep off the black rocks. So ye hai light house aur wahan se sunrise hoga. Let's go. Hum log stand bhul gaye hain time lapse banane ke liye, to fatafat car pe ja rahe hain taki लैप्स बनाने के लिए स्टैंड ले सके। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि लाइट हाउस हो रहा और सनराइज वहाँ से हो रहा है, होगा अभी 7:50 का टाइम है। आई थिंक वो एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है लाइट का, इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि सन ऑलरेडी निकल चुका है, एक्चुअली नहीं। और दिस इज द ब्यूटिफुल व्यू। बढ़िया नज़ारा आपको और क्या दिखेगा। एंड सनराइज एट पेगी कोव लाइट हाउस चेक्ड, राइट। सो अब हम लोग जा रहे हैं वापस लाइट हाउस की तरफ से, देखेंगे थोड़े पिक्चर्स क्लिक करेंगे सनराइज के। या परफेक्ट। तो ये था वो शॉट जो हम कैप्चर करना चाहते थे, विच इज एक तरह सनराइज और ऊपर से लाइट हाउस। ब्यूटिफुल, राइट अनीश, व्हाट डू यू थिंक? यप।
जो ये कहते हैं कि विंटर्स में आप घर पे रहो या फिर ये जगहें जो कि अप नॉर्थ हैं, ये क्या देखने को मिलेगा आपको विंटर्स में? वेल, दिस इज द ब्यूटी दैट यू गेट टू सी. दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि आपको विंटर्स में भी बाहर निकलना चाहिए एज मच एज समर्स में निकलना चाहिए. यस, सेफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा रखो, अपने गाड़ी के टायर्स स्नो टायर्स रखो अगर आपको लगता है कि स्नो बहुत पड़ने वाली है, बट इट्स एन एब्सोल्यूट ब्यूटी. तो डेफिनेटली विंटर्स में भी बाहर निकलिए, बहुत अच्छी जगहें हैं यहाँ पे हेलीफैक्स में, सेंट जॉन में, और आपको अभी दिखाते रहेंगे. सॉरी अबाउट दैट, सुबह सुबह निकले थे, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट डाउन टाउन एंटर कर चुके हैं. अनीश कैसा लगा? तो या अब वापस होटल जाएंगे और उसके बाद हैव ब्रेकफास्ट और फिर नहा धो के आज थोड़ा डाउनटाउन का हम लोग कवर करेंगे और एक्सपीरियंस लेंगे. चलिए चलते रहिए हमारे साथ.